वेलकम टू मैथ क्लास एनएल। हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन कैसे होती है मैट्रिसेस की और सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इनको ऐड कराना है तो ये कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। क्यों, कैसे पता चलेगा? तो हम कंफर्मेबल एडिशन के लिए है कि नहीं है तो इस तरह से पता चलता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कि उनका ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जो रोज़ है और जो कॉलम है वो सेम हो। तो रोज़ कितनी है इस मैट्रिक्स की, जो भी हॉरिजॉन्टली है वो रोज़ है, 1 2 3। इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इसके कितने हैं, 1 2 3। तो रोज़ भी 3 है, इसकी भी रोज़ 3 है, इसके कॉलम 3 है, इसके भी कॉलम 3 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, कंफर्मेबल है एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। पहले इन्हीं को ऐड करते हैं फिर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। इन्हीं को ऐड करने के लिए ए प्लस बी इधर राइट करते हैं, ए पहले, तो ए मैट्रिक्स को पहले राइट करेंगे, प्लस बी मैट्रिक्स को बाद में राइट करते हैं। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने राइट कर लेना है, ठीक है। ये है ना, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है, ठीक है। 2 की 3 है, 7 की 4 है, 0 की 1 है, -1 के साथ -1 राइट कर देंगे, ठीक है। -1 के साथ -1, तो सेंटर में जो साइन है वो राइट करते जाना, और जब नेगेटिव होगा तो वो ब्रैकेट में कर लेना साइन, ठीक है। बाद में पहले तो वैसे ही राइट कर दो जैसे इधर है। 3 के ही कोरेस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 प्लस 2। 2 की 5 है तो वो आ गई, 5 की -2 है तो वो इस तरह से ब्रैकेट में कर लिया, 1 की 7 है, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री इस तरह होती है कि इसकी ये, इसकी ये, इसकी इसकी ये, इसकी ये और इसकी। फिर क्या करेंगे, ऐड करा देते हैं 1 और 0 1, 2 और 3 5 7 4 11, 0 1 1, और ये -1 प्लस माइनस 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, माइनस माइनस होते हैं, प्लस है, साइन माइनस का आता है तो -2। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 प्लस 7 8। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करा के ये रिजल्ट आ गया। अब इनको माइनस करेंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस, तो ये जो माइनस हुआ है ना थोड़ा सा ये इस तरह है, अगर हम इसको ना करें इस तरह मीन्स डायरेक्ट ले लें तो फिर मैं आपको दूसरी पे मैट्रिक्स से समझा देती हूँ, इसको स्किप कर दो। ये देख लो कि एक ये मैट्रिक्स है ए, माइनस ये मैट्रिक्स है बी, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करवाना है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग 2 का 0 है वो राइट कर दो, 2 माइनस 0, सेंटर माइनस है, माइनस राइट करना ध्यान से। 3 का कोरेस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 माइनस 2, 4 का 2 है तो 4 माइनस 2, 1 का -1 है तो 1 -1 आ गया, जो माइनस है आना है सबके साथ वो आ गया, ठीक है। ये जो -1 था वो ब्रैकेट में हो गया ना। 5 का कोरेस्पॉन्डिंग 4 है तो 5 माइनस 4, 0 का 3 है तो 0 माइनस 3। अब 2 माइनस 0 2 आ गया, 3 में से 2 1 आ गया, 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गया, 1 का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 5 में से 4 1 आ गया, 0 में से 3 -3 आ गया। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो गया। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मैंने वीडियोज़ और भी बनाई हुई, आप चेक कर सकते हो। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।